तो बेसिकली अगर बोर्ड में पावर दे रहा हो तो कैसा हो रहा है थोड़ा सा देख लो, उसके बाद सोल्यूशन बताते हैं। ये मेरा मल्टीमीटर का बीप था। देखो कोड का वेरिएशन है, डिस्प्ले आने वाला है पर उससे 2-3 स्टेप पहले ही रिस्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा अगर हुआ तो 2 रीज़न से होगा इस बोर्ड में। तो बोर्ड का मॉडल नंबर मैं दिखाता हूँ, तो देखो और एक बार देख लो, देखने के बाद मैं ऑफ कर दूंगा, ठीक है। तो बोर्ड अभी चल रहा है, फिर से देखो ये ऐसा ही होगा। बस अब मैं ऑफ कर देता हूँ इसको। चलो ऑफ कर दिया, फिर से चल गया, कहाँ गया इसका SMPS, ये ऑफ हो गया। तो ऐसा अगर प्रॉब्लम दिखे डिबग कार्ड में, तो इस बोर्ड अगर हो, यही बोर्ड के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं, तो यही बोर्ड पे ही ये काम करेगा। अदरवाइज कोई अलग बोर्ड आए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अलग बोर्ड में कुछ रीज़न अलग हो जाता है, क्योंकि डायग्राम के हिसाब से सर्किट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा अगर प्रॉब्लम हुआ तो आप दो जगह पे काम करो, बेसिकली दो जगह पे। सबसे पहला, इस बोर्ड में दो बायस होता है, एक तो मेन बायस होता है ये वाला, ये है मेन बायस, और यहाँ पर एक बैकअप बायस होता है। तो इस बोर्ड में तो बैकअप बायस का चिप अभी नहीं दिख रहा, नहीं है, तो मतलब मेन बायस सिंगल बायस ही है। तो आपके पास अगर अब ये सेम बोर्ड आ जाए, तो ये है गीगाबाइट का, ये है, सॉरी हाथ लग गया था कैमरा के पीछे। तो ये है गीगाबाइट का H61M S2P रिविशन 2.0 है, ठीक है। ये देखो रिविशन 2.0। तो इस बोर्ड में अगर सेम बोर्ड आ जाए तो 2 बजे से होगा। आपके पास अगर जो बोर्ड आए उस बोर्ड में दो बायस चिप लगा हुआ मिलेगा, या फिर पहले कहीं पर काम हुआ है तो सिंगल बायस चिप हो सकता है। तो बोर्ड में अगर डुअल बायस है, डुअल बायस की जगह है और वहाँ पर सिंगल चिप है, तो इसमें अटेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है, क्योंकि बोर्ड एक ही बायस चिप में ही चलता है। एक ही बायस, मेन बायस जो होता है उसी बायस चिप में ही चलता है। बैकअप बायस का कोई इसमें बोर्ड में कोई मेन मतलब लीड नहीं है, तो उसका बस काम होता है, अगर मेन बायस कभी भी क्रॉप्ड हो रहा है या फिर होने वाला है तो वो बैकअप डाल देता है, मेन बायस को सपोर्ट कर देता है, बस यही काम होता है। अदरवाइज दोनों चिप रखने का कोई काम नहीं है। आप चाहो तो इजीली रिमूव कर दो एक चिप को, इससे क्या होगा आपका बोर्ड में कभी कभार प्रॉब्लम नहीं आएगा, रीस्टार्ट प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस बोर्ड में देखो बेसिकली बायस चिप का या फिर बायस आईसी का, बायस रीजन का, मी रीजन का कोई इशू नहीं है। तो इस बोर्ड में एक जगह से प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बस दिखा रहा हूँ। तो आपके पास अगर बोर्ड आ जाए तो आपको एक बार दोनों चिप को हटाना है, और अगर आपके पास जो बोर्ड है वो सिंगल चिप में है तो सिंगल चिप को एक बार रिमूव करो और प्रोग्रामर से इसको रीप्रोग्राम करो। इसका ऑफिशियल बायस आप डाल दो इजीली, गीगाबाइट गूगल पे ये इसका ऑफिशियल बायस मिल जाएगा। तो अगर बायस से हो रहा है तो आपका तो सॉल्व हो गया, और आपने बायस कर लिया फिर भी ऐसा हो रहा है, तो मैं देखो अभी दिखाता हूँ आपको। बस एक चीज करना है, ये है सीमोस सेल, इसके सामने में सीपीयू, और सीमोस सेल और सीपीयू के बीच में राइट साइड में मतलब ओपाम है, LM324 ही है ये, LM324 है, होल्ड डाउन। LM324M तो ये मिलेगा, और इसके लेफ्ट साइड में ये चार कंपोनेंट आपको मिलेगा। तो ये चार कंपोनेंट में आपको एक कंपोनेंट रिमूव कर देना है, G28। ये अलग अलग नाम से आता है अलग अलग रिविजन के साथ, पर ये एक मॉस्फेट है। ये जो मॉस्फेट दिख रहा है, और भी पास से दिखा दो, ये एकदम ऊपर में, ठीक है, ये ऊपर वाला जो मॉस्फेट, ये वाला मॉस्फेट को आपको बस रिमूव कर देना है, ठीक है। तो अभी देखो मैं भी इसको रिमूव करता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ बोर्ड में डिस्प्ले आता है कि नहीं, और आता भी है तो क्या होता है क्या नहीं होता है वो देखते हैं। तो पहले मैं रिमूव कर दूँ और फिर दिखाता हूँ और समझाता हूँ इसमें क्या
कितना वोल्टेज जेनरेट होना था या फिर ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है बोर्ड में। पर ज़्यादातर लोगों को लगता है इस बोर्ड में ऐसे टाइप के प्रॉब्लम आए तो बायोस का मतलब बायोस से हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार आपको बायोस से ही होगा। आप रिप्रोग्राम करने के बाद भी अगर सक्सेस नहीं हो रहे हो, आपका प्रॉब्लम एज इट इज़ पहले जैसा ही है, तो आप ये जो कंपोनेंट अभी मैं रिमूव कर रहा हूँ, देख लो कौन सा मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसको आपको बस रिमूव कर देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी जम्पर बाईपास कुछ नहीं करना है, नथिंग, बस इसको रिमूव करना है। मैंने रिमूव कर दिया तो कंपोनेंट को मैंने बोर्ड पीसीबी पे ही रख दिया, पर डिसकनेक्टेड है ये, ठीक है। तो कंपोनेंट देख सकते हो मैंने पीसीबी पे रखा है, पर इसका जो एक पिन है मैंने लगा के रखा है, ठीक है। बाकी ये और ये दोनों पिन, मतलब ड्रेन और सोर्स, ड्रेन और गेट अलग करके रखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ इस जगह को। क्योंकि मुझे भी पहले लग रहा था कि ये बायस से हो रहा था। मैंने भी यहाँ पर दो चिप था, ठीक है, मैंने इसको एक चिप को रिमूव कर दिया और दूसरे चिप पे मैंने एक बार इसको बायस डाला, पर तब जाके जब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो मुझे दूसरा ऑप्शन पे जाना पड़ा। क्योंकि ये एक कॉमन सा प्रॉब्लम है, इस बोर्ड में आता है, ठीक है। अगर सेम बोर्ड आपके पास आए, कभी भी आप ट्राई करो तो आपका काम बन जाएगा। तो कहाँ हमने रिमूव किया है, लास्ट में पास से दिखाते हैं, लास्ट में दिखाएंगे तो ही वीडियो थोड़ा सा देखेगा लोग, नहीं तो नहीं देखेगा। जिनको समझ में नहीं आया वो लास्ट तक होल्ड करो या फिर काट कुट के देखो वीडियो। तो अभी देखो हो गया हमारा काम, और सीपीयू तो वही है, रैम जो लगा था है। अभी डिस्प्ले आएगा कि नहीं पता नहीं, पर बोर्ड में जो प्रॉब्लम हो रहा था वो फिक्स हो जाएगा। ये फिर से इसी पोर्ट पर ही था मे बी डिबग कार्ड, तो दोनों पोर्ट पे ही देखेंगे हम। तो ये गया, बजर लगा के रखा है, ट्रिगर दिया, कोड वेरिएशन चालू, बीप दिया, डिस्प्ले आ गया, ये देखो डिस्प्ले आ गया, कीबोर्ड पर भी डिस्प्ले देख सकते हो, ये देखो आ गया, यही कीबोर्ड लगा हुआ है, ये देखो, और डिस्प्ले भी आ गया। मेरा जूम हो गया क्या फ़ोन? हाँ फ़ोन तो जूम हो गया भाई 2x पे, ये देखो कितना जूम हो गया था फ़ोन। तो देखो डिस्प्ले आ गया और ये बिंदास चलेगा। तो इसे मैं अभी ऑफ कर देता हूँ और थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो इसको समझाने के लिए मुझे सारा कुछ डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और समझाता हूँ क्या क्या हो रहा था, बस वही दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्या हो रहा था जिसके वजह से ये बार बार कोड थोड़ा सा वेरिएशन होने के बाद ऑफ हो रहा था। हमारा बायोस सही था उसके बाद भी। तो ये सेम प्रॉब्लम आपको बायस से भी जनरेट होगा, आपको बस ध्यान रखना है कि कहाँ से हो रहा है। तो कुछ भी करने से, कहीं पर भी हिट करने से पहले एक बार बायस को रिप्रोग्राम कर लो, बायस चिप को रिप्रोग्राम आप करके देख लो। अदरवाइज आपका प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होता है इस चिप को रिप्रोग्राम करने के बाद, तो मैंने अभी जो दिखाया यही कंपोनेंट को बस आप रिमूव कर दो। मैंने रिमूव ही किया, पर डिस्कनेक्ट कर दिया पीसीबी से, पर कंपोनेंट को लगा के रखा है। तो इसको भी मैं हटा देता हूँ, ये लिया कंपोनेंट लग गया है। ये है हमारा कंपोनेंट, यहां पर बैठ जाओ भैया। तो पास में चले जाते हैं और बोर्ड को एक बार ऑन करते हैं। तो वो है हमारा कंपोनेंट, ठीक से देख लो कहां पर है। और DC20 पे मल्टीमीटर को रख के, मल्टीमीटर ही आ नहीं रहा, इतना जूम हो गया है ये। तो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि मल्टीमीटर दिखे, ये मल्टीमीटर दिख रहा है। बोर्ड को मैं पावर दे रहा हूँ,
अभी मैं टिगर देता हूँ, ठीक है, डिबग कार्ड हटा दिया, ये पावर दिया, ये देखो एक को ग्राउंड किया और दूसरे पे मैंने दिखाता हूँ ये कितना वोल्ट है, वन, ये देखो बीप दिया, डिस्प्ले आ गया बोर्ड में, ठीक है 1.06 वोल्ट है और इसका सोर्स पे कितना है, ज़ीरो। तो ये सोर्स पर ये जो 1.06 वोल्टेज है इसका, यही वोल्टेज सोर्स पर आ रहा था, ये वो जो कंपोनेंट था वो शॉर्ट था, मतलब प्रोटेक्शन है ये एक, वो ख़राब होने के वजह से ये जो वोल्टेज है, यहाँ का जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज 1.06 वोल्टेज अगर यहाँ पर मैं डायरेक्ट टूजर से शॉर्ट कर दूँ, तो इस बोर्ड को ऑफ करके दूसरा बार अगर चलाऊँ यहाँ पर टूजर रख के, तो ये बोर्ड सेम प्रॉब्लम ही करेगा पहले जैसा कर रहा था, बोर्ड डिस्प्ले नहीं आएगा, रीस्टार्ट होगा। तो बोर्ड में रीस्टार्ट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि बार बार बायस से ही होता है, तो इसके पीछे रीज़न होता है इसका BTT मिसिंग हो रहा था, ठीक है, बार बार इसके वजह से ये रीस्टार्ट हो रहा था। तो देखो सिंपल सा केस स्टडी था, सिंपली दिखाया मैंने। तो जिनको ये बोर्ड अगर कभी भी सेम प्रॉब्लम के साथ आएगा, आई होप कि आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे, कुछ भी सीखे हो, तो भाई एक लाइक करके जाओ। चलो तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद।